ये सरदार स्मारक विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं पूरे विश्व का ये प्रवासन धाम बने और यहां आने वाला देखे कि भारत में ऐसे महापुरुष भी हुआ करते थे। हमारी ऊंचाई को देखे, इस देश की ऊंचाई को नापे, ये हम चाहते हैं। और जब ये पूरा स्मारक बनेगा, हम देशवासियों के लिए वो प्रेरणा का तीर्थ होगा और विश्व भर के लिए वो प्रवासन का धाम बन जाएगा। हर एक को अपने अपने लिए जो चाहिए वो इस धरती से मिलेगा। भाइयों बहनों, ये स्मारक बनाने में पीछे भी भारत के भविष्य को हमने जोड़ा है। खास करके हिंदुस्तान में आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम हुए हैं, किसी भी सरकार ने क्यों न किए हो, किसी कानून विशेष के कारण क्यों न हुए हो, किसी योजना के विशेष के कारण, उन सबको यहां हम संग्रहित करना चाहते हैं। और हम हिंदुस्तान के मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के जीवन में नया उमंग और उत्साह कैसे आए, वे संपन्न कैसे बने, वो राष्ट्र के कल्याण के धरोहर कैसे बने, अगुवा कैसे बने, उसका रिसर्च का काम भी, आदिवासी कल्याण के रिसर्च का काम भी इसी स्मारक के तहत हो। यह देश गांवों का देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र थे, किसानों के कल्याण के लिए आने वाले दिनों में कौन से नवीन विज्ञान की जरूरत है, कौन से नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमारा गांव आधुनिकता की ओर कैसे बढ़े, हमारा किसान आधुनिकता के मार्ग को कैसे आगे बढ़ाए, ये उसको शिक्षा दीक्षा जहां से मिले वैसा एक रिसर्च सेंटर हिंदुस्तान के किसानों के लिए, हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के लिए, गांव गरीब किसान के लिए, ये काम भी हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्मारक इस धरती पर बनाने जा रहे हैं।
Thank you.